हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेफ्ट ओवर लड्डू हैं जो मेरे पास, उसका हलवा बनाना बता रही हूँ, जो कि बड़ी इजी रेसिपी है। अक्सर हमारे घरों में या त्योहारों में या कोई खुशी के मौके में मिठाई आती है, तो जैसे लड्डू वगैरह हो, बर्फ़ी हो, तो कई बार हम खा के बाकी फ्रिज में पड़ी रह जाती है। तो हम इसकी जो ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे, इसके हम नई डिश का इसको रूप देंगे। तो उसके लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो इस प्रकार है। ये देखिए, मेरे पास 6 लड्डू हैं, मोतीचूर के लड्डू हैं, और 2 पीस मेरे पास बर्फ़ी के हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो, नहीं तो नहीं। इसके लिए, इसके अलावा मेरे पास 1 कप दूध है, और हमारे को चाहिए ये ड्राई फ्रूट है, ये बादाम है थोड़े, और काजू हैं, थोड़ा सा पिस्ता डेकोरेशन के लिए। बस यही चीज़ें चाहिए। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास लड्डू है और जो बर्फी है, जो लड्डू है उसको हम कांटे से या हाथ से मैश कर लेंगे ऐसे, और बर्फी को भी कर लिया मैंने। हम क्या करेंगे, गैस ऑन करेंगे, उसमें 1 कप के करीब दूध डालेंगे, यानी कि 200 ml दूध डाल देंगे, और इसको थोड़ा ना हम वो उबलने देते हैं, फिर हम इसमें लड्डू डालेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, दूध उबल गया था, और उसमें ये जो हमारे पास 6 लड्डू और 2 बर्फी के पीस थे, हमने इसमें डाल दिए, और इसको हम हिलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। झटपट से बन जाता है ये। और जो हमारे पास ड्राई फ्रूट है, हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे, बाकी का गार्निश के लिए रखेंगे। और इसको लगातार चलाते हुए दूध सूखने तक, यानी कि गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे, तब तक हम इसको पकाते हैं। कोई चीनी नहीं डालनी, तो लड्डू बहुत मीठे होते हैं, ना हमने कोई घी डालना, दूध डालना है हमने। देखिए, दूध सूख चुका है, और 5 मिनट हो गए हमें लगातार इसको लड्डू और बर्फी को डाल के पका लिए। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और इसको रिच बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो। मैंने डाल दिया, अब इसको 1 मिनट और हम इसको चला लेंगे मीडियम आंच पे। एक मिनट और पका लेते हैं। ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा है, मोती चूर के लड्डू थे। जब ये गाढ़ा होने लगे और इकट्ठा सा होने लगे हलवे की तरह, तो आप समझ जाइए कि ये हमारा हलवा बनकर तैयार है। मुश्किल से इसको 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये हमारा इकट्ठा होने लगा, और सब हम इसको उतार लेते हैं। गैस हम इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा बनकर तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा लेफ्ट और लड्डुओं का हलवा बनकर तैयार है। विद इन 7 मिनट लगे हैं इसको। अब हम इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं ड्राई फ्रूट की। हमने इसको लेफ्ट और लड्डुओं को नया रूप दे दिया डिश में। ये मेरे पास थोड़ा सा पिस्ता है, ये भी हम डाल देते हैं। ये देखिए, ये हमारा लड्डू और बर्फी का, जो हम वेस्ट पड़ी थी हमारी मिठाई, उसका हमने झटपट से हलवा बना के तैयार कर दिया। आप बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।